subscribe my channel Disclose4Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello nation, welcome to my channel Disclose4Human. तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कुछ एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो क्या हुआ है, कौन सा शिफ्ट का हुआ है, कौन सा जोन में हुआ है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एकदम डिटेल में जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो एकदम देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, पहले में आरआरबी कोलकाता जोन में आया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नोटिस दिया है एएलपी सीबीटी 2 का, आपका बारे में एक नोटिस दिया है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। तो ये है देखिए, आपका कौन सा शिफ्ट में कौन सा डेट में एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसके बारे में इधर एकदम दे दिया है। जो आपका आरआरबी कोलकाता जोन में हुआ है वो 23rd का एग्जाम कैंसिल हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का जो स्टूडेंट आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लानी में जो एग्जाम हुआ है उनका कैंसिल हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट ऑफ टीसीएस गीतोबीतन का कैंसिल हो चुका है। थर्ड शिफ्ट भी टीसीएस गीतोबीतन का कैंसिल हो चुका है। एंड थर्ड शिफ्ट ऑफ रीजेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पर जो लोग एग्जाम दे चुके हो 23rd में इन कोलकाता जोन में फॉर एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम, तो उन लोगों का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, उन लोगों का फिर से एग्जाम होगा। तो ये हो गया आपका आरआरबी कोलकाता का। अभी और एक जोन के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका आरआरबी भोपाल। तो देखिए, आरआरबी भोपाल में भी आपका एएलपी का जो सेक्शन है वहाँ पर देखिए एकदम टॉप में दिया है इम्पोर्टेंट नोटिस ऑन रिशेड्यूलिंग ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी एग्जाम। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले से मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ये आपका डाउनलोड होगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर आपका अगर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो कहाँ देख लेते, नेम ऑफ सेंटर है विंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सतना, सिटी सतना, डेट है 22 जनवरी 2019 इन थर्ड शिफ्ट। तो थर्ड शिफ्ट में जो विंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में एग्ज़ाम दिए हो फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, उन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट है आपका आयन डिजिटल जोन, जो कि है आपका इंदौर में, उन लोगों का 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हो चुका है। आई एम डिजिटल जोन इन भोपाल आपका ये है अंदमपुर डिजन रोड, तो यहाँ का आपका फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 23 जनवरी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। फोर्थ है आपका आई एम डिजिटल जोन ट्रिनिटीज 2 हेडवे टू कोक्टा बाईपास रोड इन भोपाल, यहाँ का भी आपका फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 23 जनवरी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एंड फिफ्थ है आपका आयन डिजिटल जोन इन जबलपुर, यहाँ का आपका थर्ड शिफ्ट ऑफ 23 जनवरी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो देखिए, एग्जाम कैंसिल होने का वजह जो यहाँ पर दे रहा है फॉर द टेक्निकल फॉल्ट, तो आप लोगों का फिर से एग्जाम होगा। तो नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, जो कि है आपका आरआरबी पटना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बोल दिया है सिर्फ आपका जो सेंटर कोड है, आपका एडमिट कार्ड में सेंटर कोड देख लीजिएगा, सेंटर कोड है ये बता दिया है। तो यहाँ पर आपका नहीं, उसके अलावा भी आपका सेंटर का भी नाम बता दिया है। तो देखिए, जिनका पटना में आपका 23 जनवरी इन शिफ्ट 2 और टेस्ट सेंटर कोड है आपका 9002 IDG3 पतलीपुत्रो पटना, यहाँ पर जिसका एग्ज़ाम पड़ा है, मतलब पड़ा था, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑन 23 जनवरी, उन लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। आप लोग अपना मेल या फिर SMS अगर चेक करेंगे तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आएगा अबाउट दिस कैंसिलेशन ऑफ द एग्ज़ाम, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ही गलत बात है कि सब लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बाद रीशेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, कभी कभार टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। सो आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम होगा उनमें जो आपका ट्रैवल फेयर दिया जाएगा, आप सभी को ट्रैवल फेयर दिया जाएगा। देखिए, ट्रैवल फ्री पास ऑन रेल फॉर गिविंग द एग्जाम एट द एलोटेड सीबीटी सेंटर। तो देखिए, मेरे पास ये 2-3 जोन का इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग इनमें से दे रहा है, तो इसलिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन था। आप लोग किसी और जोन से अगर एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप लोग थोड़ा जाके चेक कर लेना, क्योंकि उस 2 दिन में बहुत सारा जोन में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। Guys, if you like this video, hit the like button and share this video for the other aspirants and comment for any type of query and subscribe my channel for getting this type of video in future. Thank you.